पिछले महीने ही 15 अगस्त था, भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर आजाद होने की खुशी मनाते हैं। उस दिन सच में ऐसा ही लगता है कि जैसे सभी देशवासी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन 15 अगस्त जाते ही ज्यादातर लोगों के मन से ये भावना भी चली जाती है और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भारतीय के साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरा भारत उसके पीछे खड़ा होता है। ऐसा ही एक मामला शायद आपको याद हो, जो था सरबजीत का केस। एक भारतीय किसान जो गलती से भारत पाकिस्तान की सीमा पार कर देता है और उसकी बहन की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला पाती और सरबजीत की 2013 में लाहौर जेल में मौत हो जाती है। वहीं सरबजीत की पत्नी सुखप्रीत कौर का भी एक सड़क दुर्घटना के कारण देहांत हो गया। सुखप्रीत कौर एक बाइक से जालंधर जा रही थी और जाते वक्त वो बाइक से गिर गई और घायल हो गई, जिसके बाद तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। आप सभी ने सरबजीत की कहानी सुनी ही होगी, लेकिन उस कहानी के बारे में सोचते हुए दिमाग में एक ख्याल तो आता ही है कि क्या भारत सरकार इतनी सक्षम नहीं कि अपने भारतीय नागरिकों को बचा सके। एक किसान जो गलती से सीमा पार चला गया, क्या वो वापस अपने घर नहीं लौट सकता? क्यों भारत सरकार नहीं ला पाई सरबजीत को? न जाने ऐसे कितने सरबजीत अपने घर नहीं आ पाए। आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरबजीत को भारत पाकिस्तान सीमा पार करने के लिए पकड़ा गया था और जब उनको पकड़ा गया तो उनको सीधे लाहौर जेल ही ले जाया गया। लेकिन उस दिन के 9 महीने बाद तक उनके परिवार वालों को ये ही नहीं पता था कि आखिर सरबजीत कहाँ है या फिर वो जिंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन एक चिट्ठी आती है जो सरबजीत की होती है और उसमें लिखा होता है कि सरबजीत को पाकिस्तान की जेल में मनजीत के नाम से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये साल था 1990 का और इसी वक्त पाकिस्तान के लाहौर में कुछ बम धमाके हुए थे जिसमें 14 लोगों की जान गई थी और जब सरबजीत को पकड़ा गया तो उनके ऊपर सिर्फ सीमा पार करने का चार्ज लगाया गया था, लेकिन उसके 8 दिन बाद उनके ऊपर लाहौर बमबारी का आरोप लगा दिया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो किसी वजह से आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद उनकी बहन अपने भाई को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन वो सरबजीत को इंसाफ न दिला पाई। यहाँ तक कि सरबजीत के वकील ने कई याचिका पाकिस्तान भेजी, लेकिन कोई भी याचिका स्वीकार नहीं हुई। एक याचिका तो 1 लाख लोगों ने साइन किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी। लेकिन फिर 20 साल बाद उनके परिवार के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर आई कि सरबजीत को जेल से रिहा कर दिया गया है और पूरे भारत में और उनके गांव में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। दरअसल 2012 में उस वक्त के पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में उम्र कैद 14 साल की होती है, लेकिन सरबजीत ने 20 साल जेल में बिता दिए हैं, जिस बिना पर उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, वैसे ही कई इस्लामिक संगठनों ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना की और धमकियां दी। इन संगठनों में जमात इस्लामी और जमात उल दुआ जैसे इस्लामिक संगठन शामिल थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो सरबजीत को नहीं सुरजीत सिंह को छोड़ने वाले हैं। सुरजीत सिंह ने बताया कि उर्दू में दोनों नामों की स्पेलिंग जो है वो काफी मिलती जुलती है, जिस वजह से ये गलती हुई। जिसके बाद एक दिन सरबजीत को जेल में कुछ लोगों ने ईंटों और तलवारों से घायल कर दिया। उनके सर में कई चोटें आई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस सब के बाद सरबजीत के परिवार का क्या हुआ? उनकी 2 बेटियां, उनकी बीवी और उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ने वाली उनकी बहन, उनके साथ क्या हुआ? तो सरबजीत की मौत के बाद पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 3 दिन तक शोक मनाया और उन्होंने सरबजीत के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए। लेकिन क्या ये 1 करोड़ रुपए उनके लिए काम के थे? तो इसका जवाब है नहीं। हो सकता है कि अगर इतना पैसा उनके पास सरबजीत की मौत से पहले होता वो और कोशिश कर सकती थी, लेकिन अब ना ही उनका भाई रहा और ना ही उनके जीवन में सुख। सरबजीत के ऊपर तब से कई चीजें लिखी गई और एक फिल्म भी बनाई गई, लेकिन क्या इन सब चीजों से सरबजीत वापस आ जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि फिर कोई सरबजीत अपनी बहन, बीवी और बेटियों से इस तरीके से दूर ना हो। आज हमारी सरकार का पूरी दुनिया में रुतबा है, लेकिन बात रुतबे की नहीं बल्कि नीयत की है। अगर सरकार चाहे तो वो किसी भी नागरिक को वापस लाने में पूरी तरह से सक्षम है। आपको ये चीज समझनी होगी, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर एक 2300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और ना जाने कितने लोग ऐसे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं जो भारत की शक्ल दोबारा नहीं देख पाते। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें JJN News।